तो नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करते चले कि जुम्मा वाले दिन पाकिस्तानियों का व्हाट्सएप कुछ यूं आपको दिखाई देगा, जहां भी देखेंगे आप हाफज पाए जाएंगे। ठीक है, बाकी नेकी तो और कुछ करनी नहीं है, जुम्मे वाले दिन पाजी हाफज बन जाना है और इस्लामिक स्टेटस लगाने हैं। समझ रहे हो ना बात को? डिस्क्लेमर नंबर वन डिस्क्लेमर नंबर वन ये है जी कि दिस पोस्ट इज नॉट फॉर सिंगल्स, ओके। डिस्क्लेमर नंबर टू दिस पोस्ट इज ओनली फॉर मिंगल्स मैरिड पीपल्स, ठीक है। अच्छा ऑन जी, वेलकम वापस होगा यार जी तुम सब लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो यार जी सीन कुछ ऐसा है कि सूती बिल्कुल भी नहीं उठी, यहाँ बाल बिल्कुल भी नहीं खिल रहे, तो आके तैयार होके गड्डी बैठी हैं, ठीक है। बाइक पे आज फिर नहीं जा रहे क्योंकि सर्दी बहुत हैवी बताई गई है, रोला बताया गया है। तो बाकी सीन कुछ ये है कि कल फिर भाई आपको ठीक है कटिंग करवा के जब आया है ना, दिल पे पत्थर रख के फिर नहा लिया, यकीन मानो कसम तोड़ दिया और नहा लिया। तो बाकी सीन कुछ ये है कि अभी चलते हैं यूनि क्योंकि जुम्मा भी है आज, तो पीरियड शायद एक ही होगा हमारा, देखते हैं अभी चल के तो क्लास लेंगे और फिर निकलेंगे क्योंकि जुम्मा पढ़ना है। क्योंकि ये जुम्मा छोड़ दिया ना तो आपका भाई खतरियों में शुमार हो जाएगा, यू नो खतरियों में शुमार हो जाएगा। बाकी चलते यूनि चल के मिलते हैं आपसे, ठीक है। ठंडा ठंडा मौसम, जैनवन मौसम है, मौसम है बड़ा ज़बरदस्त तेरा जी, चस आ जाती है वो साइड में चेक करो सही होश पड़ी हुई है। बाकी मैं कहना कि चस आ गई, हाँ जी ऐसा मौसम हो तो चस आती है ना, बाइक पे जाओ तो फटती है, इस तरह जाओ तो चस आती है। यूनिवर्सिटी पधार चुके हैं, ठीक है, गड्डी शड्डी खड़ी कर दी है, चलते हैं अंदर क्लासी शर्ती लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप बर्गर। ये बाकी यार जी आपके भाई ने पोक्शु को कंट्रोल करने के लिए इधर वक्ती अंडे वाला बर्गर हिरगर लगवाया, ठीक है, और फिर रगड़ दिया है इसको। बाकी गोलगप्पा इवेंट 26 दिसंबर सन 2022 बरोज सोमवार को FURC में मेन गेट से थोड़ा सा अंदर होके माल रोड से थोड़ा सा ऊपर चढ़ के बैडमिंटन कोर्ट वाली साइड में आर्ट्स एंड मीडिया डिपार्टमेंट्स में फुल जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा, हाँ जी। और आप सब भाइयों से आने की अपील। ये भाई साहब तो ईद, ठीक है, जो आज एक साल पहले ना आया था, ठीक है, आज तक नहीं आया, हालात देख सकते हैं आपको नजर आ रहे होंगे। बाकी अपना कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, इसका VC के साथ हिसाब है, हर 4-5 महीने तो गुजर ही गए होंगे, 4-5 महीने गुजर गए ना आया था। गुसल कब किया था सही होता, हाँ जी शरारा जी। हेलो भाई जान, ऊपर देखे आप सुने, आज सुबह सुबह नहा के आए हैं बाइक पे, नहा के आए हैं आप, बहुत बड़ी बात है, कसम तोड़ दी है भाई ने, ये भाई जी सुबह सुबह सर धो के आ गए, ठीक है, और इधर दिखा रहे हैं कि मैं नहा के आया हूँ। अपना ये जी क्लास में आ चुके हैं, ठीक है, हीटर शीटर सही जेनवन लगा हुआ है, बैठे हुए हैं, हीट शीट लगा रहे हैं, बाकी क्लास वाला माहौल देख सकते हो, ये वही चीज़ है जो कल फंसी थी, वो तूने ब्लॉग अपलोड करूंगा आज, देख लेना। तो रे जी एक चीज दिखाते हैं आपको, ठीक है, तो रे जी बाकी सीन ये है कि यूनि से मैं निकल आया हूँ, ठीक है, और टाइम बहुत हो गया यार जी, तो जुम्मा पढ़ना है आज, क्योंकि आज मैंने जुम्मा छोड़ दिया ना तो आपका भाई खतरी हो जाएगा, यकीन मानो खतरी हो जाऊंगा, दर इस्लाम से बाहर निकल जाऊंगा मैं, क्योंकि पिछला भी जुम्मा मिस हो गया, तो ये वाला नहीं करना। तो अभी दस्ती दस्ती चलते हैं, ठीक है, की सिस्टम यह है कि अभी ड्राइव करूँ, ठीक है, तो घर जाके मिलते हैं फिर आपसे। जरा जी वही रश वाला सीन हो चुका है, ठीक है, अब इधर फंसे हुए, ऊपर से जुम्मा लेट हो जाएगा, यार मैं क्या बोलूँ, वो आगे तक लाइन फंसी हुई है, डाला रोड के हालात ये हैं, देख सकते हो आप भाई जी, ये रोड जो है ना ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती, ये पाकिस्तानी अवाम है ना, ये रोड जब ठीक कर चुकते हैं ना फिर इनको याद आती है कि हाँ भाई इधर भी पाइप डालना था, इधर से भी पाइप डालना था, बंदा फिर पता क्या करे, इनको पकड़े चपेड़े मारे, मेरा तो यही है भाई जी, बाकी अब फंसे हैं, देखो क्या बनता है। तो यार जी जुमा शुमा हो चुका है और मैं छत पे धूप लगवा रहा था, तो मेरे शैतानी जहन में एक शैतानी पोइट्री आई है, यू नो पूरे शैतान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अर्ज किया है, डिस्क्लेमर नंबर वन
डिस्क्लेमर नंबर वन ये है जी कि दिस पोस्ट इज नॉट फॉर सिंगल्स, ओके। डिस्क्लेमर नंबर टू, दिस पोस्ट इज ओनली फॉर मिंगल्स मैरिड पीपल्स, ठीक है। और मैरिड पीपल जो है वो भी अपनी जनानी से अलग हो गए पोस्ट देखें, ठीक है। आप मुझे बोलो जी है तो बाकी अर्ज की है। मुझे शेर समझ आ गया। वाह वाह वाह, नहीं आप बोल लो ना। नहीं वाह वाह वाह, अच्छा मैं बोलो बोलो। कभी रोटी के टुकड़ों में, वाह वाह वाह, मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कैमरा बंद, नहीं वाह वाह वाह, चास आ रही है ना भाई, शेर पे चास आए तो वाह वाह करनी चाहिए। मैं कैमरा बंद कर दूंगा। नहीं नहीं वाह वाह, अच्छा अच्छा शुरू करो। कभी रोटी के टुकड़ों में, वाह वाह वाह, कभी सालन के प्याले में, वाह वाह वाह, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, बेगम तेरी जुल्फ का दीदार हर नवाले में। वाह वाह वाह, घर चला गया था, मुझे कोई काम था, तो मैं इसकी तरह वेला यूट्यूबर नहीं हूँ, तो अभी मैं हूँ। देखा है भाई साहब टिकटॉक बना रहे, एक अच्छा व्लॉगर, यूट्यूब का व्लॉगर होने के साथ साथ एक बगैरत टिकटॉकर भी है। तू किधर पे हो गया? ये आपको क्यों जरूरत पड़ी है ऐसे बगैरत बगैरतियों वाले काम करने की? जरा देखो, मतलब अब हम YouTube पे जो है आवाम को एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है, तो आवाम बहुत एंटरटेन हो रही है, जो भी हो रही है, 20-25-30-40 हाँ, 20 वो बंदे तो रहे हैं ना। बाकी वो जो ट्रेंड है, जैसे मतलब लाहौर का पावा अख्तर लावा, लाहौर का पावा अख्तर लावा, वो जो ट्रेंड था वो टिकटॉक से उठाया था एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसे देखता रहता हूँ, अगर टिकटॉक पे अच्छा ट्रेंड मिल जाए ना, तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड है लाहौर का पावा अख्तर लावा कैसा करके ना, तो बंदा चलो वीडियो बना लेता है कोई। बाकी अब YouTube पे वहाँ को थोड़ा बहुत एंटरटेन कर रहे हैं जो 20-40 बंदे देखते हैं, तो बाकी टिकटॉक पे भी सोचा है रखो, ये बात दिल पे लगी है 20-40 वाली। यार बस क्या करें, वहाँ करती ही नहीं सपोर्ट, वहाँ बहुत दिल, यानी दिल के गहराइयों में जाके लगी है इनको, क्या पता कितनी मुश्किल से व्लॉग्स बनते हैं भाई। देखो ना, ये एक मिनट एक मिसाल देता हूँ, कितना अच्छा व्लॉगर है, बगैरती पे आ गया अवाम को एंटरटेनमेंट करने के लिए, लेकिन अवाम सपोर्ट ही नहीं कर रही, सपोर्ट नहीं मिल रहा, नहीं रखो खास नहीं, ये रिस्पांस नहीं मिल रहा। देखो इतना शरीफ नागरिक बच्चा, शरीफ अलहिदमत का नागरिक बंदा बगैरती पे आ गया, अब आपके लिए तो आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे, फायदा तो नहीं है। बाकी मतलब टिकटॉक का यही सीन है कि ट्रेंड शेंड अगर पूछा मिल जाए ना, तो उस पर हम बकायदा पूरा ब्लॉग बना लेते हैं, यही सीन है बस। फिर अभी कोई इरादा है कोई 2022-17 महीने में कोई और बगैरती आए टिकटॉक पे, उस पर ब्लॉग बनेगा? हाँ, हैप्पी न्यू ईयर से ना, मतलब जो जाएंगे हम हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए, 12 से पहले पहले ना थोड़ी सी यकियां लगाई जाएगी, यकियां लगाई जाएगी और पूरा रिवाइंड किया जाएगा, 2022 को ना अलविदा कहा जाएगा, अलविदा कहा जाएगा, उधर थोड़ी यकियां होंगी। बाकी खैर यही सीन था। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक मारो, नहीं अच्छी लगी फिर भी लाइक मारो, चैनल सब्सक्राइब मारो, ठीक है, और वीडियो को शेयर मार दो। तो आज का यही सीन था, बाकी चलते हैं, मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।